गुड मॉर्निंग बच्चों, कल आपको हमने एक्सरसाइज बने का पहला और दूसरा क्वेश्चन बताया था। आज हम एक्सरसाइज 1A का तीसरा सवाल बताएंगे। मैं कुलदीप सर आरके विद्यालय से कक्षा 7 क्लास 7 की मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 7 के बच्चे अपना बुक खोल लें और एक्सरसाइज 1A का थर्ड क्वेश्चन देखें। इसमें लिखा है ऐड द फॉलोइंग माने जोड़िए, फॉलोइंग माने नीचे नीचे जो लिखा हुआ है उसको जोड़िए। उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं देखो। हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, 58 एंड -111, मतलब हिंदी में बात करें तो 58 एंड माने और 111 को दोनों को ऐड करना, ऐड मीन्स जोड़ना है। कैसे ऐड करेंगे, 58 लिखे, एंड की जगह पे हम प्लस का प्रयोग कर देंगे और -111 को ब्रैकेट में लिख देंगे। अब क्या करते हैं, कल हमने आपको बताया था कि अब इस चिन्ह का मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, कल आया था, प्लस माइनस माइनस होता है। अब क्या करते हैं, अब देखिए 58 के सामने कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, प्लस। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है, अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, क्योंकि देखो एक प्लस है माइनस है अलग अलग दिख रहा है, तो दोनों चिन्हों को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 111 में 58 को लेस कर लेंगे, यहाँ कह लेंगे 11 में 8 निकलेगा, 3 लेस कर दी, यहाँ कह दिए थे 0 है, एक कह देगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 लेस होगा, 5 आएगा, 53 आ गया। और इन दोनों चिन्हों में हम माइनस यहाँ क्यों लगाए, इसका एक कारण है कि 111 जो है ए 58 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, इसलिए हमने माइनस लगाया। कुछ बच्चे सोच रहे हैं, सर जी ने कहा ऐड द फॉलोइंग जोड़ना है, ऐड द फॉलोइंग क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें इंटीगर में जोड़ना घटाना सब कुछ एक है, चिन्ह अगर अलग अलग हो गया तो घटा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस हो गया तो घट गया, अभी एक तरह का चिन्ह होता जोड़ देते, तो यहाँ पे अलग अलग चिन्ह था इसलिए हमने इसको सबट्रैक्ट कर दिया। और अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर बी, -345 एंड 645। अब हमको इन दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है। कैसे ऐड करेंगे, अब आप देखिए, पहले इसको हम लिख लेते हैं 345, एंड की जगह पे प्लस का प्रयोग करेंगे, एंड की एंड जो लिखा है उसकी जगह किसका प्रयोग करेंगे, प्लस का, और इसको फिर ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, अब देखिए 345 तो लिख लेंगे, ये जो 345 है -345 जो है उसको तो हम लिख लेंगे, और लेकिन इन चिन्हों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का माइनस से करेंगे, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे दोनों में कौन सा वैल्यू है, माइनस का है, यहाँ पे भी क्या है, माइनस का है, दोनों माइनस है, इसलिए दोनों क्या है, एक तरह के चिन्ह लगे हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 5 5 10 1 कैरी, 4 4 8 और 1 कैरी था, इसमें जोड़ देंगे 9 6 3 9, और इन दोनों में जो लगा है उसको हम लगा लेंगे, वही चिन्ह को हम क्या करेंगे, लगा लेंगे। तो ये सवाल भी आपका, एक क्वेश्चन भी आपका हल हो गया। अब इसको कॉपी में लिख लियो, अगर लिख चुके हो तो हम दूसरा सवाल बताएं।
क्वेश्चन नंबर सी, सी क्या है, -3456 एंड 481। अब इन दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, उसी तरह 3456 को लिख लेंगे, एंड की जगह पे हम प्लस का प्रयोग करेंगे। कुछ बच्चों के समझ में ये नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे चिन्ह है। यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, प्लस का। अगर किसी नंबर के आगे अगर चिन्ह नहीं लगा है तो उसके आगे क्या होता है, प्लस होता है। अब मैं क्या करूँगा, पहला वाला तो उतार लूँगा 3456 और प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए ध्यान से, इस प्लस का इस प्लस से करूँगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। इस प्लस का प्लस से किया तो क्या आया, प्लस आया। अब 481 को लिख लेंगे। अब क्या देखते हैं, दोनों में यहाँ 3456 के सामने माइनस है और 481 के आगे प्लस है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों में चिन्ह अलग अलग लगा है, एक में प्लस लगा और एक में माइनस, और अलग अलग चिन्ह लग जाता है तो हम उसको सबट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, इसमें अलग अलग चिन्ह लगा हुआ है। अब इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे, 6 में 1 गया 5, अब 5 नहीं जाएगा, इसको ऐसे लिख ले। अगर नहीं आता है तो ऐसे लिख ले, 6 में 1 लेस करेंगे 5 आएगा। यहाँ कैरी लिए 15 में 8 गया 7, यहाँ 3 बचा, इधर लिए 13 में 4 गया 9, अरे कैरी दिया तो इसलिए 2975। अब बात होती है इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ 3456 बड़ा है और उसके सामने क्या लगा है, माइनस लगा है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए अपने, और इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। लिख लिए, काफी लिख लिए हो तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किताब खोलिए, देखिए किताब में क्या लिखा है। हाँ, इसमें लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग इन, आ नहीं रहा इसलिए नीचे लिख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर ये है, -31, -15, -5, 183। इसको, इन संख्याओं को हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सॉल्व करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, अर्थात सबसे पहले हम छोटी संख्या, छोटा नंबर स्मॉलेस्ट लिखेंगे, फिर उससे ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, ऐसे क्रम को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब जैसे लिखा है -31, -15, -5, 183, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, थर्टी वन है। क्यों, क्योंकि ये नियम होता है, कोई भी संख्या बड़ी हो और उसके सामने अगर माइनस लग गया हो, ध्यान से सुनिए,
अगर कोई भी संख्या बड़ी हो और उसके सामने माइनस लग गया हो तो वह संख्या सबसे क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसलिए यहाँ सबसे छोटी संख्या 31 है। क्यों है? क्योंकि बड़ा तो ठीक रहा है लेकिन उसके सामने क्या हो गया, माइनस हो गया, तो उतनी क्या हो गई, छोटी हो गई। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, और इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, -31। फिर इससे बड़ी कौन सी है, 15 है, 15 से भी -5 है। फिर क्या है, 183 में 1 है, 1 से 3, 3 से 8। कामा ना लगा के हम ऐसे चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। इसको भी कॉपी में लिख लें, अगर लिख लिए हो तो आपको थोड़ा सा होमवर्क बता दिया जाए। हाँ जल्दी से नोट करिए इसको, अगर नोट कर लिया तो मीटर इसको रेज करेंगे। अगर आप नोट किए हो तो इसको हम रेज कर दें, या हाँ देखो असेंडिंग ऑर्डर आपको लिखना है, अब एक्सरसाइज नहीं है, अब ये आपका होमवर्क है। क्या है होमवर्क में, आपको पहला यही काम करना है, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए, -15 -0 -4 8, पहला क्वेश्चन। दूसरा है -30 1 2 3, क्वेश्चन नंबर सी है -18 -20 0 5। आपको ये तीनों को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, कॉपी में नोट करिए, ये आपका होमवर्क है। इन सब सवालों को लिखिए जल्दी से। नोट कर लिए आप लोग, अब क्या काम करते हैं, इसको रेज कर देते हैं। ऐसे ही आपको बी असेंडिंग ऑर्डर करना है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग, डी असेंडिंग ऑर्डर। डी असेंडिंग का होता है अवरोही क्रम। क्या होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। जैसे आपके किताब में 5वां क्वेश्चन है, कौन सा, 5वां, लेकिन हम होमवर्क दे रहे हैं तो बड़े छोटे की ओर लिख लेना। जैसे आप वही क्रम लिखते हैं वैसे ही डी असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। दो क्वेश्चन ए हैं, 3 उसमें है, 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया है, पांचों क्वेश्चन आप कर लीजिए। आपने 5 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे और ये जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है आप इसको करिए, और जब टीचर आपके घर पे जाएगा तो चेक करेगा, तो ऐसा ना हो कि हम होमवर्क नहीं कर रहे हैं सिर्फ पढ़ रहे हैं। और आप इस क्वेश्चनों को आराम से करिए, और कोई भी समस्या है उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, प्रॉब्लम को बताइए, उसको सॉल्व किया जाएगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।
लाइक करिए, थैंक यू, बंद कर रेड।